सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। नमस्कार, आप दर इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। ग्राम प्रधान द्वारा बरसरी गांव में अच्छा काम हुआ। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में ब्लॉक बेरुआरी के अंतर्गत ग्राम सभा बरसरी गांव में प्रधान द्वारा कहा गया कि ग्राम सभा में अच्छा काम हुआ है, आप लोग पता करके दे सकते हैं। मेरा नाम नमो नारायण तिवारी है। मैं ग्राम बरसरी चावड़ी थाना बाहडी जनपद बलिया का निवासी हूँ। क्या प्रधान जी की रवैया कैसी है आपके क्षेत्र का, आपके गाँव का? बहुत ही अच्छी है। सुनने में आया था उनकी कार चली अच्छी नहीं थी। अब ये तो समझ लीजिए, गांव में हर एक गांव में दो चार आदमी जो ऐसे होते हैं, जब इसको नहीं पाचो अमूलिया बराबर नहीं बनाई है तो कैसे मान लिया जाए कि सबको कोई खुश कर सकता है। तो दो चार आदमी तो ऐसे होते हैं जो भावना वाले, लेकिन उनका काम अभी तक जो भी प्रधान रहे हैं उनसे बहुत ही बेहतर। जी जो शिकायतें मिली है तो किस रूप में आप देखना चाहेंगे? आप नागरिक है, यहाँ का है, तो आप किस रूप में देखते हैं? तो नहीं, वो जो शिकायतें हैं निराधार और गलत है। जो भी करते हैं वो निराधार गलत करते हैं। उसकी लोग क्या बताए तो आपसे कि हर एक गांव में वो विरोध भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, फिर भी 80% लोग इनसे खुश है, 20% ऐसे होंगे जो नाराज होंगे। आप हमारे हाँ, आपका नाम जान सकते हैं? छोटक राजभर जी। गांव का नाम जान सकते हैं? साहूडी बांसरी जी। आपके प्रधान जी का नाम जानते हैं? महू प्रधान जी जी। कैसे हैं प्रधान जी? बीटन तिवारी, बीटन तिवारी। कैसे प्रधान जी हैं आपके? खूब अच्छा है हमारे लिए प्रधान जी, गांव को बहुत अच्छा किया है, काम अच्छा करते हैं। हाँ हाँ, खूब अच्छा करते हैं। जिससे शिकायत उनके मिली है हमको, अगर वोट को लेकर विकास लेकर धांधली करते हैं। वो छोड़ी वो का वोट के, बाकी वोट खाती आपका शौचालय बना है? हाँ, सब कुछ बना है। क्या कितना पैसा मिला आपको? हमने के जो मिला तो मिल गुल यहाँ से। आप आपको बहुत बढ़िया एक, एक, एक मिनट, आपको शौचालय देने के नाम पर प्रधान जी कुछ मांगते भी हैं? ना, कुछ नहीं मांगते हैं। आवास बना है? हाँ, आवास बना है। आपका कितना रुपया मिला है? भाई को हमारा बना है, हमारा भौजी को बना है। कितना रुपया मिला है? अब वो जानेगा महाराज, अब हम झूठो नहीं। ठीक है ठीक है, हम इतना चीज बता सकते हैं। क्या इन समय पैसा मांगते हैं गांव में किसी से? नहीं, किसी से यहाँ पैसा ना मांगे। प्रमोद त्रिपाठी, हाँ, ग्राम बड़सरी, हाँ, पोस्ट साहूडी जिला बलिया का मैं निवासी हूँ जी। हम आपके ग्राम जानना चाहते हैं, आपके ग्राम के क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है? सरोपर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे गांव का विकास तो सरोपर है, बहुत सुंदर है। जैसे ये सुनने में आता है ग्राम प्रधान जी द्वारा वोट को लेकर भेदभाव होता है क्या यहाँ पर? ये सरासर गलत है। इनके अंदर, मेरे प्रधान जी के अंदर, जो कि प्रधान जी के प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं ब्रजानंद तिवारी, उनके अंदर कोई ऐसी भेदभावना की भावना नहीं है जी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं प्रधान जी, ऐसे प्रधान जी की रवैया कैसी है? बहुत सुंदर है जी। ये कहा गया है शिकायत में तो भाई प्रधान जी के द्वारा जो भी केंद्र सरकार के चाहे प्रदेश योजना देने में लाभान्वित बढ़ने में धन उगाही करते हैं, कहाँ तक सच्चाई है? पहले तो आप ये हम लोग सड़क से आप गांव के तरफ आएंगे, हाँ, तो खुद ही आपको जानकारी होगा कि मेरे गांव में कितना काम हुआ है। ठीक है, और रही केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, वो सारे हम लोग के सामने दिख रहा है जी जी। ठीक है, चाहे विद्युतीकरण हो या चाहे रोड का कार्यक्रम हो जी जी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्या आने वाले समय में आप देखना चाहेंगे उनको? आंतरिक इच्छा तो यही है, आशा भी यही है कि दोबारा यही बनेंगे, दोबारा यही बनेंगे, ये पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि लोग के अंदर इच्छा है, धारणा यही है कि पुनः। तो जी प्रधान जी, सॉरी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं प्रधान जी के खिलाफ इस तरह की जो अब तक नहीं मिले अब मिलने शुरू हो गई, क्या कारण रहा आप? नहीं, अभी अभी देखिए, ऐसी व्यवस्थाएं होती है। ये गांव है, हाँ, कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं है या लोकसभा का नहीं है, ये गांव, ये ग्राम सभा है, हाँ,
हाँ। ग्राम सभा में देखिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, उसको हाँ सबकी आकांक्षाएं होती है, सब लोग अपनी अभिलाषाएं पेश करते हैं कि हमको ये हो, हमारे लिए हो, ये काम होना चाहिए, हमें मकान मिलना चाहिए, तो हमें लैट्रिन का व्यवस्था होनी चाहिए, हमें सारी व्यवस्था होनी चाहिए, रोड हमारे घर के सामने से गुजरे। अब देखिए हमारे गाँव में कहीं कहीं ऐसे ब्लॉकेज पड़े हुए थे बहुत साल पहले से, जो कि अब जाकर उसको क्लियर हुआ है, अब जाकर क्लियर हुआ है, इसी प्रधान जी के थ्रू ये काम संपन्न हुआ है। परिचय बता दीजिए। ब्रजानंद तिवारी बनश्री ग्राम सभा बनश्री के रहने वाला हूँ, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा की आबादी कितनी होगी? 3100 कुछ है जी। हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपके कार्यकाल की स्थिति अब खत्म होने वाली है जी। शायद लास्ट में आपको चुनाव होगा जी, और इन सालों में आप केंद्र सरकार की योजना तमाम आई, प्रदेश सरकार की योजना तमाम आई, हम ये जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा में किस तरह से विकास हुआ है? बहुत बढ़िया विकास हुआ है, जो योगी जी का जो मोदी जी का सपना है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। देखिए किस तरह का विकास हुआ तो हम बता दीजिए, कुछ बिंदुओं पर कह डालिए जैसे बताइए। जैसे आप केंद्र सरकार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योजना है शौचालय, आप शौचालय जिसे 500 शौचालय हमारे यहाँ बना है, 500 में 300 शौचालय ओके कर दिए हैं, 200 का पैसा दे दिया जा चुका है, अब लोग धीरे धीरे काम अपना कर रहे हैं, दबाव बनाया गया है आप लोग बताइए जी। जी कहीं कहीं ऐसा भी होता है अगर हम चेक काट देते हैं या पैसा दे दिया है तो अब तो ये होता है वो बना नहीं पाते हैं, जिस स्थिति में ये नियम है सचिव द्वारा नोटिस जारी करने का, इस तरह के क्या व्यवस्था? नोटिस जारी से 62 लोगों पर नोटिस जारी कर दिया गया है जी। जी हम आपसे भी जानना चाहते हैं 2011 के सूची के अनुसार किस पर कितनी आपकी ग्राम सभा में आवास मिली है? 2011 की सूची जैसे 49 में 50 था, 50 बन गया जी। जी जी हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा में 16 लाइट कुर्सी यह सड़क या नालिया क्या स्थिति है? स्थिति 2011 से पहले बदतर थे हाँ, लेकिन सोलर लाइट इसलिए या कुर्सियां नहीं लग रही है कि गांव में नाली और जो पानी निकासी का काम चल रहा है जोर पर चल रहा है जी। तो आपके ग्राम सभा में ये भी हम कहा जाता है तो आप इतने सालों में किसी प्रकार कोई विकास कार्य में धांधली करते हैं, और जिस प्रकार से ये भी आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर जैसे अगर वोटों को लेकर भेदभाव करते हैं। नहीं, यहाँ तो कोई वोट का भेदभाव नहीं, जो दिया उसका भी भला, जो नहीं दिया उसका भला, उसका काम करेंगे, विरोधी का भी काम करना चाहिए जी। जी जी मोदी जी का सीख लेना चाहिए जी। जी जी हम ये मतलब आप मोदी जी के भक्त हैं जी? भक्त नहीं है, उनके कार्यकाल से उनकी उससे हम खुश हैं जी। जी जी भक्त नहीं है लेकिन उनका काम अच्छा लगता है तो हम लोग भी उसी पेज पर चल रहे हैं जी। जी जैसे आप अच्छी तरह भली भांति आपको मालूम है मोदी जी से लाख करोड़ अच्छा काम करें फिर भी उनके आरोप लगते हैं। नहीं नहीं ये तो विरोधियों का काम है तो उसे तो काम करना है, हाथी चलती है बीच से भौंकने वाले भुगतते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ ठीक, उसी तरह आपके ऊपर प्रधान जी तमाम तरह किसी तरह आरोप लगे हैं तो किस तरह की नजरिए से आप देखते हैं? नहीं नहीं वो देखिए विरोधी को रहना जरूरी है हाँ। अगर वो रहेंगे नहीं तो फिर हमारे कोई गलती काम के उसको सवाल कौन उठाएगा? उठाएगा तो हम सतर्क होते हैं, उस कार्य को पूरा कर देते हैं हाँ। विरोधी भी रहना जरूरी है। अच्छा अच्छा वो ठीक है। ये मतलब हम ये जानना चाहते हैं आपसे, ये आपके कार्यकाल तो बीतने वाली है, इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी? फिर भी आज जब आपकी कार्यकाल बीतने वाली है तो इस तरह की सूचनाएं प्राप्त होने लगी? नहीं नहीं इसी चुनावी माहौल चल रहा है हाँ। जनता में जाकर झूठ सच हम नहीं बोलेंगे हाँ। अच्छा ये एनआरसी में क्या है, कुछ है लेकिन उस पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करने वाले को करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं जी। मतलब आपके कहने का तात्पर्य जो भी आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद मानते हैं? बेबुनियाद है, कहीं साबित नहीं होगा।